नमस्कार, मैं जावेद अंसारी, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। मैं इस समय मौजूद हूं रीवा के बाईपास में। इलाहाबाद से खजुराहो नागपुर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल बाईपास के तौर पर किया जाता है। पिछले दिनों रीवा में एक घटना हुई, बस नहर में गिर गई थी जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई थी। 54 लोगों की मौत के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रीवा में थे। लगातार आवागमन करने वाली गाड़ियों पर जो गलत तरीके से सवारी ढोती थी उन पर कार्यवाही की बात हुई थी। मैं आज उसी पर बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि मुख्यमंत्री ने जो दावे किए थे उसकी जमीनी हकीकत क्या है। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं अब आपको मैं जो जगह दिखाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए। आपको लग रहा होगा ये एक खाली सड़क है, इस सड़क से लगातार गाड़ियां निकलती। देखिए, एक मोटरसाइकिल ठीक उसी जगह से निकल कर गई। इस जगह पर चौराहा जहां पर पिछले दिनों 54 लोगों की मौत हुई, एक व्यक्ति रहता था मैहर में, अपनी बेटी से मिलने के लिए वो चौराहा जा रहे थे। मैहर से रीवा बाईपास का सफर उन्होंने एक गाड़ी से किया, उसके बाद वो पैदल चल दिए किटवरिया अपनी लड़की के यहाँ जाने के लिए। किटवरिया यहाँ पर से नज़दीक में एक गांव है, वहाँ उनकी लड़की रहा करती थी। जब दो दिन तक उनके घर पर, लड़की के घर पर संपत राय नहीं पहुँचे तो उनकी तलाश जारी हुई। उसी दौरान इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आगे का सफर भी दिखाता हूँ, पूरी घटना को आपको तफसील से दिखाऊंगा, समझाऊंगा आखिर उस दिन हुआ क्या था। संपत राय अपनी लड़की के घर के लिए चले थे पैदल, इसी जगह पर किसी अज्ञात वाहन ने उनको ठोकर मार दी। चलिए कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हाईवे में होते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये कपड़े गवाही दे रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। इसी उनके शरीर से लगातार यहाँ पर से जो ट्रकों का काफिला आप देख रहे हैं वो उनके शरीर से के ऊपर से निकलता रहा। जब वो काफिला निकलता रहा ट्रकों के पहिए संपत राय को कुचलते रहे। अब आप गौर से देखिए उनका पैंट पड़ा, और मैं एक जगह आपको दिखाऊंगा, इस जगह को आप जरा ध्यान से देखिए, ये उन्हीं के मांस के टुकड़े हैं पूरे। इस तरीके से उनके शरीर के हो गए थे टुकड़े कि बिनना भी मुश्किल था, पहचानना भी मुश्किल था, कहाँ नहीं जा सकता था यहाँ किसी आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी आदमी की डेड बॉडी, इसका सीधा सा मतलब है पूरी हड्डियाँ चूरे चूरे हो गई थी। जब पुलिस को उनके परिजनों ने बताया कि यहाँ मेरे पिताजी दो दिनों से लापता है, तब पुलिस ने खोज खबर चालू की। उसी दौरान एक राहगीर को यहाँ पर से उनके कपड़ों से बदबू आती हुई मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। यहाँ पर लोग पहुंचे, पहचाना नहीं जा रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। मांस को खरोच के निकाला गया, शरीर को खरोच के निकाला गया, इसका मतलब हड्डियों के चूरे हो गए थे। उन चूरों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। उनके कपड़ों से उन्होंने पहचाना, उनके परिजनों ने पहचाना, जी हाँ ये मेरे पिता की ही कपड़े हैं, यही कपड़े पहनकर वो निकले थे। अब संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ कहा, अब मैं आपको वो भी सुनाता हूँ, साथ ही मैं आपको वो भी सुनाता हूँ जो पुलिस ने यहाँ पर घटना स्थल पर आकर क्या देखा था और किस तरीके से कार्रवाई की थी। यहाँ पर जो कौआ लोग खा रहे थे तो हम लोग छत से देखे कि जानवर है, फिर भीड़ आई, दो तीन आदमी देख रहे थे तो हम लोग भी आए, तो हड्डियाँ पड़ी थी, खूब सारी मांस था, इसके बैग हो हड्डी कुछ नीचे पड़ी थी, कुत्ता लोग खा रहे थे, फिर बाद में पता चला इंसान के, दो तीन दिन ये लाश पड़ी रही, फिर उनके परिवार वाले आए देखे तो पहचान गए कम्बल और कपड़े से, फिर अपने परिवार वाले को बताया पुलिस को, पुलिस आई हड्डियाँ ले गई पोस्टमार्टम करने के लिए ना। हम सुबह हम लोग देखे तो कुछ जानवर कौवा खा रहे थे, तो सुबह हम लोग छत से देखे तो हम लोग को लगा कि कोई जानवर पड़ा होगा। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर भीड़ जमा शुरू हुई,
उसके बाद हम लोग आए तो देखे यहाँ पर कपड़े पड़े थे, उसके कम्बल पड़े थे, पैंट पड़े था और उसका पर्स पड़े थे। तो भी उसके बाद कोई पुलिस को नहीं बुलाया। उसके दो दिन बाद उसके एक परिवार वाला यहाँ से ड्यूटी जा रहा था, तो उसने उसके कम्बल और कपड़े को पहचान लिए, तो उसने फिर अपने परिवार को बताया और पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस आई और हड्डियाँ ले गई जांच करने के लिए। कल शाम को 4 बजे हमारे पास थाना चौरहट्टा जिला रीवा से पुलिस के द्वारा एक शव, जिसका बताया गया कि 75 वर्षीय वृद्ध जो सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना का रहने वाला था, उसका शायद सड़क दुर्घटना में मौत होने के कारण लाए हैं, तो एक बंद पैक में बक्से में लाया गया था और उसको हमारे पास कल शाम को रजिस्टर कराया है तो रखवा लिया गया है। अभी चूँकि अवशेष हैं, अब उसके शव के रूप में नहीं था, अवशेष हैं, तो उसके गहन परीक्षण के लिए फोरेंसिक विभाग ने अभी अपने पास रखा हुआ है और प्रक्रिया में है वो, और उसकी जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उनका जब परिणाम आएगा, तब तक फिर उसे आपके आधार पर आगे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मृत्यु दिनांक 18/2/21 व 19/2/21 के दरमियानी रात में सरकिन हाईवे सरकिन होटल के पास हाईवे रोड पर किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने से मृत्यु होना प्रतीत हुआ है। मृतक की पहचान जो है, मृतक के पहने हुए कपड़े से उसके परिजनों द्वारा पहचान की गई और वह मृतक की पहचान संपत पाल निवासी सोनवर्षा के रूप में हुई है। मृतक के शव का पंचनामा कार्रवाई की जाकर पोस्टमार्टम के लिए गांधी मेडिकल अस्पताल जो है शव का रवाना किया गया है। और हाईवे रोड है, जो कि हाईवे रोड है, और तत्काल सूचना न मिलने से और वहाँ पर न पहुँच पाने से उसकी ऐसी स्थिति हो गई। अगर पुलिस को तत्काल जानकारी मिलती, पुलिस मौके पर पहुँच जाती, तो हो सकता था, संभावना थी कि मतलब सब काफ़ी सुरक्षित प्राप्त होता।